खरगोश की तरकीब। गौर से सुनिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, हाथी, बंदर, ऊंट, खरगोश, कछुआ, बाघ, भेड़िया और जंगल का राजा बब्बर शेर, वो भी वहीं रहता था। लेकिन अब वो बहुत ज़ईफ हो गया था, वो शिकार नहीं कर पाता था। इसलिए उसने जंगल के तमाम जानवरों को बुलाया और कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता। अब मैं एक एक शख्स का नंबर लगाता हूँ और इस तरह तुम सब एक एक चलकर मेरे शिकार बनना। मुझे धोखा मत देना, नहीं आओगे तो मैं खुद दनिस्ता आऊंगा तुम्हारे पास खाने। उतनी ताकत अभी है मुझ में। ऐसा कहकर शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। ये देख तमाम जानवरों ने गर्दन हिलाई। हो गया, दूसरे दिन से एक एक जानवर का नंबर लगने लगा और अपने अपने नंबर के हिसाब से तमाम जानवर शेर की गार में जाने लगे। बतख, कछुआ, हिरन, जंगली गाय, इनका शिकार करके शेर बड़े मजे से रहने लगा। फिर बारी आई खरगोश की अम्मी की। वो अपने बच्चे से बोली, बेटा आज मेरी बारी है, अब मैं मरने वाली हूँ, तुम अकेले रह जाओगे। ठीक से रहना, खुद का ख्याल रखना। खरगोश बड़ा चालाक था, उसने कहा, अम्मी जान आप बिल्कुल मत घबराएं, मैं आपकी बजाय जाऊंगा शेर के पास। उसने अपनी अम्मी से कहा, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। अम्मी ने कहा, देखो बेटा वो तो जंगल का राजा है। हो गया, खरगोश बाहर निकल गया और जाते जाते उसे रास्ते में मिला। यू करने वाला एक बंदर। खरगोश ने कहा, बंदर बंदर हूँ, करता मस्ती खूब, पर शेर के सामने हो जाता खामोश। बंदर ने कहा, फिर क्या करेंगे भाई। खरगोश ने कहा, देख मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। बंदर ने कहा, क्यों तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या, मैं तुम्हारी कोई इमदाद करूं। खरगोश ने कहा, इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। खरगोश आगे बढ़ गया, उसे एक हाथी नजर आया। उसने कहा, हाथी हाथी तुम्हारे पास इतनी ताकत, फिर भी शेर के सामने हो जाती तुम्हें नदामत। हाथी ने कहा, सच बात है भाई, मैं अकेला तन्हा क्या करूं। खरगोश ने कहा, पर मुझे देख, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। हाथी ने कहा, अरे बेहतरीन, तुम्हारे पास तो कोई तरकीब नजर आती है, मैं कोई इमदाद करूँ क्यों। खरगोश ने कहा, इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। खरगोश आगे निकल गया और रास्ते में उसे मिला एक बाघ। उसने बाघ से कहा, बाघ जी दहाड़ मारे जोर की, शेर को देखते ही आके हो जाती पीली। बाघ बोला, सच है भाई। खरगोश ने कहा, पर मुझे देख, मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। बाघ ने कहा, जाहिर होता है कि तुम्हारे पास कोई तरकीब है, मैं आऊं क्या कोई इमदाद करने। इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। फिर खरगोश को मिली एक लोमड़ी। उसने कहा, लोमड़ी लोमड़ी तुम हो कितनी गुस्सेल, शेर को देख के हो जाती बैल, पर ये देखो मैं हूँ खरगोश, देखेगा मेरा रोश, शेर के उड़ जाएंगे होश। अरे वाह, बहुत ठीक हो गई हो, मेरे को इमदाद चाहिए क्या।
खरगोश ने कहा। इमदाद नहीं, दोपहर को तालाब की तरफ आ और फिर मैं क्या करता हूँ वो देखना। फिर खरगोश पहुँच गया शेर के पास और कहने लगा, बादशाह सलामत, अम्मी जान के बजाय मैं आया हूँ, पर मेरे देर के आने का सबब पता है? अरे, अपने जंगल में एक नया राजा आया है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो कह रहा था मुझे रोज शिकार मिलना चाहिए। ऐसा? मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ, मेरे बजाय तुम्हें और कोई कैसे खा सकता है? चल चल, जल्दी मुझे उसके दीदार करा, मैं देखता हूँ उसको। शेर और खरगोश दोनों ही तालाब के करीब पहुँचे। तमाम जानवर पेड़ों के पीछे छुपकर ये मंजर देख रहे थे। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो आपको देख के तालाब में छुप गया है, देखिए देखिए जल्दी। शेर ने धीरे से तालाब में झुक कर देखा और कहा, अरे ये तो हूबहू मेरा अक्स है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके साथ ही तालाब के शेर ने भी उतने ही जोर से दहाड़ लगाई और फिर जनाब शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो तालाब में कूद गए। लेकिन वहां कोई न था, उसकी नाक और मुंह में सारा पानी भर गया। जनाब शेर खरगोश से कहने लगे, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस पर खरगोश बोला, आपको बचाकर क्या करूं? आप हम सभी का शिकार करके हम सबको खा जाओगे, उसके बजाय आप ही खुदा को प्यारे हो जाओ, वो बेहतर है। फिर तमाम जानवर बाहर आ गए। उन्हें खरगोश ने कहा, मैं हूँ खरगोश, देख लिया मेरा रोश, शेर के उड़ गए पूरे होश।